उत्तराखंड के हल्द्वानी का बहुचर्चित रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। मामले में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोग भारतीय हैं और उनका दुख हमारा दुख है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रेलवे प्रकरण के प्रति सरकार के मन में खोट है तथा सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से पीड़ितों को बेदखल कर दिया जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के पूछे गए रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों के सवाल पर कहा कि प्रकरण में न्यायालय में है, जिसके चलते कोई भी बात कहना न्यायोचित नहीं, लेकिन कहा कि रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोग भारतीय हैं, जिसके चलते पीड़ितों का दुख उनका दुख है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रकरण को लेकर उच्चतम न्यायालय में हमारे लोग गए हैं और हमें उम्मीद है कि सब ठीक होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय ने कोई फैसला माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को हम लोग कोई कुछ कह नहीं सकते। हमारे साथी अनुभवी साथी सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय से जो रेमेडी मिलेगी हम सब उनके साथ। माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे और जो कई परिवार हैं जिनके नाम पर जमीन है, कई बाशिंदे अपनी जमीन को फ्री होल्ड करा चुके हैं, ये प्रस्तुति नहीं के पेश नहीं किए गए और लचर बहस की वजह से, कमजोर बहस की वजह से ये हर दिन देखने को मिले हैं।